नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत लक्ष्मणपुर के पास मझगवां में 16 साल की लड़की की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। इलाज के दौरान रीवा के संजय गांधी अस्पताल में युवक की हो गई मौत। 16 साल के किशोर की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने मारी ठोकर। इलाज के दौरान संजय गांधी अस्पताल में हुई मौत। एक्सीडेंट बैकुंठपुर थाना अंतर्गत मझगवां लक्ष्मणपुर में हुआ। 16 साल के किशोर सतेन साकेत, पिता लल्ले साकेत, उम्र 16 साल, अम्बा चुराटा का रहने वाला था, अपने मामा के घर लक्ष्मणपुर गया था। उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से सतेन गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों की इस बात की जैसे ही जानकारी हुई, किसी अज्ञात वाहन ने मझगवां के पास सतेन की मोटरसाइकिल को ठोकर मार दी है। परिजन मौके पर पहुंचे, 108 की मदद से तत्काल ही सतेन को लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल पहुंचे, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इन दिनों टू व्हीलर से मौतों के आंकड़े काफ़ी बढ़ गए हैं। रिकॉर्ड इसी ओर साफ तौर से इशारा करते हैं। जिस तरीके से आए दिनों रीवा शहर के आसपास एक्सीडेंट की वारदात लगातार देखने में नजर आ रही हैं, उसमें सर्वाधिक मामले नवयुवक के ही होते हैं। ज़्यादा उम्र नहीं होती, तेज रफ्तार गाड़ी, पीछे से अज्ञात वाहन की ठोकर, नतीजा गंभीर एक्सीडेंट जो ज़्यादातर मामले में मौत में बदल जाता है। सतेन के मामले में भी हम कुछ ऐसा ही कह सकते हैं। 16 साल का सतेन अम्बा चौराहा का रहने वाला था, अपने मामा के घर लक्ष्मणपुर गया था। उसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी, जिसकी वजह से सतेन गंभीर रूप से घायल हो गया, मौके पर ही बेहोश पड़ा हुआ था। इस बात की जानकारी परिजनों को मिली, परिजन मौके पर पहुंचे, 108 उसी दौरान आ गई। तत्काल ही सतेन को लेकर रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अज्ञात वाहन ने मझगवां के पास सतेन की मोटरसाइकिल को जोरदार ठोकर मारी। वाहन कोई नहीं देख पाया। परिजनों ने वहां कई लोगों से बात करने की कोशिश की, जानने की कोशिश की किस गाड़ी से उनके परिजन का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन आसपास के लोगों ने ये बताने में असमर्थता व्यक्त की कि उन्होंने एक्सीडेंट होते हुए नहीं देखा। जब उन्होंने देखा, एक युवक सड़क पर पड़ा हुआ था, बेहोश था। इस बात की जानकारी पुलिस को दी गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची, परिजनों को भी इस बात की जानकारी हुई, परिजन भी मौके पर पहुंचे, 108 की मदद से सतेन को रीवा के संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। सतेन साकेत के मामा लक्ष्मणपुर में रहा करते थे, जिसके चलते वह आए दिनों घर से मोटरसाइकिल उठाता और लक्ष्मणपुर पहुंच जाता था। बीते दिन भी उसने कुछ ऐसा ही किया। सतेन लक्ष्मणपुर पहुंचा, मोटरसाइकिल से टहल रहा था, वहीं पास में मझगवां के पास। इसी दौरान उसकी मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात वाहन ने जोरदार ठोकर मार दी, जिसकी वजह से सतेन गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल की पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शव में पोस्टमार्टम की कार्रवाई करने के बाद शव परिजनों के हवाले करने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान हमारी टीम ने सतेन साकेत के परिजन से बात की। आइए आपको सुनाते हैं इस मामले को लेकर उनका क्या कुछ कहना था। हम लोग लगभग लक्ष्मणपुर से, फिर फोन आया, फिर वहाँ बेहोश पड़ा था मझगवां में, फिर वहाँ से उठा के लाया, एम्बुलेंस में नहीं तो यहाँ भर्ती करवा दिए, डॉक्टर बोले कि नहीं देख दे रही। आपका नाम? मेरा नाम राम रही साकेत है। आपके कौन थे जी? आपके कौन थे? हाँ, मेरे फोन पे आया था। आपके कौन थे? वो मेरा भांजे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।